चलिए, आप बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा, और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नीलकंठ। आई एम श्योर आपने ओवरनाइट काफ़ी मेहनत करके बजट डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को एनालाइज कर लिया होगा हमारे लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, टीम के लिए। नीलकंठ, सबसे पहले जो बड़ी हेडलाइन यूनियन बजट 2022 में निकल के आ रही है वो है हायर कैपेक्स की। इनफैक्ट पूरे कॉर्पोरेट इंडिया ने, मार्केट फ्रेटर्निटी ने हायर कैपेक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेज़ किया है उसको। ये हायर कैपेक्स, पहले बात तो आप कैसे इसका इम्पैक्ट एनालाइज करते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि गवर्नमेंट इसको फंड कैसे करेगी, तो आपका क्या कहना होगा उस पर नीलकंठ? अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो केपेक्स का नंबर है, इसको आप थोड़ा उसको अगर ब्रेक डाउन करें तो FY22 आ रही, यानी इस वित्तीय वर्ष में जो रिवाइज नंबर्स हैं 6 लाख करोड़ के आसपास, उसमें से 52,000 करोड़ जो है वो एयर इंडिया का केपेक्स है, तो उसको आप घटा दें तो करीब 5.5 लाख करोड़ का इस साल का खर्च है केपेक्स पे। वो अगले साल के अनुमान से 7.5 लाख करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी है। अब ये 2 लाख में से 1 लाख करोड़ जो है वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन है राज्य सरकारों के लिए, जो हमें ये पता नहीं कि वो कहाँ खर्च करेंगे, बट ये केपेक्स पे खर्च अगर हुआ तो सरकार उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। ये खर्च होगा कि नहीं होगा वो समय बताएगा, बट ये बहुत बड़ा पार्ट है जो उस ग्रोथ का, इसलिए इसको क्वांटिफाई करना कि इसका मतलब क्या होता है वो मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जब जब राज्य सरकारें वो अपने स्टेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी खर्च नहीं कर पा रही हैं, तो इस पे नए प्रोजेक्ट्स लेके नया खर्च करने करना जो है थोड़ा मुश्किल ही होगा। बाकी का जो 1 लाख करोड़ बचता है उसमें भी कुछ ऐसे अंश हैं जो जो ऑफ बजट स्पेंडिंग को ऑन बजट कर दिया गया। जैसे जैसे आप देखें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें करीब 20,000 करोड़, 19,900 करोड़ के आसपास ऑफ बजट खर्चा होता था, वो अब उसको ऑन बजट कर दिया गया। यानी कि ये अच्छा है ट्रांसपेरेंसी के लिए कि सरकार अब सीधा सीधा बता रही है कि भाई इतना हमारे पास पैसा आया, हमने इतना खर्च किया, लेकिन इसका एग्रीगेट डिमांड बूस्ट पे उतना असर नहीं पड़ता। कुछ ऐसे ही और चीजें भी हैं, जैसे NHAI का कुछ ऑफ बजट खर्चा था जो रोड्स मिनिस्ट्री के बजट में आ गया है। नाउ कुछ चीजें हैं जहां पे नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे नल से जल स्कीम, जहां 45,000 करोड़ का 60,000 करोड़ हुआ, थोड़ा डिफेंस केपेक्स पड़ रहा है। डिफेंस केपेक्स में भी अगर आप जो एयरक्राफ्ट परचेज का नंबर है उसको थोड़ा कम कर दें, क्योंकि वो बल्कि परचेज होता है, तो लास्ट ईयर के नंबर से, ACR के नंबर से अगले साल थोड़ा कम होगा, तो नॉन एयरक्राफ्ट परचेज में वो एक्चुअली नंबर काफी अच्छा बढ़ा हुआ है। रेलवे का थोड़ा केपेक्स बढ़ा है, थोड़ा रोड्स का, बट कुल मिला के 10-12% मैक्सिमम 15% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं है। तो एक्चुअली जो जो हेडलाइन पे बड़ा दिख रहा है वो इंटेंट है, जिसको भी हमें आई थिंक मार्केट उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए सरकार, राज्य सरकार के चुनाव को, कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसके पहले सरकार ने कंजम्पशन रिलेटेड स्पेंडिंग, जिससे लोग सोचते हैं कि वोट्स मिलते हैं, उनको रेजिस्ट करके और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग पे सरकार ने फोकस किया है, तो इसी का आई थिंक इक्विटी मार्केट्स एक्साइटेड हैं इसको लेके। बट इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बूस्ट, कि कितना नया काम इससे फंड होगा, इस पे आई थिंक बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंटेंट और एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। सो पिछले 10 साल आपको याद होगा कि हम लोग लगातार बजट्स को इसी पे इवैल्यूएट करते थे कि फिस्कल डेफिसिट कितना कम हो सकता है और कितना क्रेडिबली कम हो रहा है। यानी कि अरे उन्होंने 3.5 तो बोल दिया, बट टैक्स नंबर बहुत ज्यादा है, खर्चा उन्होंने कम अज्यूम किया है, सब्सिडी और बड़ी होगी। बट इस बार नैरेटिव बदल गया है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार 5.5 लाख करोड़ कैश पे बैठे हैं, यानी कि वो मार्केट से बोरो करके या टैक्स के पैसे का उनके पास आ गया है, बट खर्च नहीं कर पा रहे। तो ये एक नया नैरेटिव है बजट के लिए, क्योंकि इसीलिए सरकार ने जो नंबर्स लिए हैं वो भी बहुत कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ बहुत बहुत कम लिया है। जो फाइनल क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, जनवरी से मार्च के जो इस साल का टैक्स कलेक्शन है
वो नंबर भी मेरे हिसाब से जितना सरकार ने अनुमान किया है उससे बहुत ज्यादा आएंगे। तो सरकार के पास अभी दूसरी प्रॉब्लम हो गई है कि कैश बहुत है, कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, और ये मैं सरकार का मतलब राज्य और केंद्र सरकार मिला के बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंटेंट है एंड आई थिंक इंटेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्केट्स। आई थिंक एग्जीक्यूशन इज वेयर जहां पे हम लोगों को देखना होगा कितनी जल्दी सरकार खर्च कर पाती। नीलकंठ, एक और बात निकल के आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो यहाँ से या तो फ्लैट हो जाए या थोड़ा टेपर आउट भी हो सकते हैं। जो जो ग्रोथ हमने देखी है वो शायद उतनी स्पीड में ना रहे, उस पर आपका क्या व्यू है? और दूसरा ये कि फिस्कल डेफिसिट के जो एस्टिमेट है उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स पे? तो देखिए, ये जो आप इसके जो स्टार्टिंग अजम्पशंस हैं, यानी जी मुझे पता नहीं कि सरकार में किसने क्या सोचा, बट मैं अगर इमेजिन करूं कि कैसे बजट मेकिंग प्रोसेस को लिया गया होगा, तो हो सकता है ऐसा हो कि भाई देखिए हम लोग इस साल 6.8 6.9 पे हैं, हमें 2026 तक 4.5 तक पहुंचना है, तो हम करीब आधा आधा परसेंट पॉइंट हर साल कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि तो ये एक झटके में करना भी शायद सही नहीं होगा, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं कि मान लीजिए तेल के दाम 120 हो जाते हैं, या ग्लोबल इकॉनमी जैसे यूएस इकॉनमी हो सकता है अगले साल रिसेशन में जा रही है इसलिए मार्केट्स पहले ही थोड़ा मंदी में आ गए, बहुत कुछ जो लास्ट ईयर हुआ है फिस्कल स्टिमुलस डेवलप्ड वर्ल्ड में वो विड्रॉ हो सकता है, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। बहुत हद तक जो टैक्स टू जीडीपी बढ़ा है और मेरे हिसाब से सरकार के जो बहुत कंजर्वेटिव अनुमान है उनसे टैक्स तो बहुत ज्यादा आएगा। मेरे हिसाब से टैक्स टू जीडीपी कम से कम 1% पॉइंट से बढ़ चुका है वर्सेस प्री कोविड। हो सकता है कि जब इकोनॉमीज खुले और जब उनका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था खुल जाए उसके बाद वो इनफॉर्मल सेक्टर वापस आ जाए, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हटे तो इनफॉर्मल सेक्टर वापस आ जाए, तो फिर फॉर्मल सेक्टर और देयरफॉर टैक्स कलेक्शन कम हो जाए। तो बहुत सारे अनसर्टेन्स और अननोन्स थे, तो इसलिए सरकार ने ये सोचा होगा कि भाई हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई देखिए हम आधा परसेंट पॉइंट ज्यादा कंसोलिडेट नहीं करेंगे और हम कंजर्वेटिव ग्रोथ नंबर लेंगे। और सबसे बड़ी मुश्किल समस्या जो है सरकार के पास ये है कि हम खर्च कहाँ करें, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आप पैसे जाके हेलीकॉप्टर से बांट दे जो अमेरिका ने किया था, उसका क्या असर पड़ता है इन्फ्लेशन पे और अर्थव्यवस्था पे, ये सब कुछ अब दिख रहा है। तो आपको प्रूडेंटली खर्च करना है और प्रूडेंट 1-2 लाख करोड़ खर्च करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक इसी कंस्ट्रेंट से आप देखें तो ये समझ में आता है कि इसीलिए शायद सरकार ने ग्रोथ कम लिया है, टैक्स कलेक्शंस कम लिए हैं। बट ये जानना जरूरी है जो आपका दूसरा सवाल था कि इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा। अभी क्या है कि लेट मी जस्ट इंटरप्ट यू एक ही मिनट के लिए। मोदी जी इस समय कुछ कमेंट्री दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, एक मिनट के लिए हम जाएंगे वहां पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सुनने के लिए, मैं वापस आऊंगा एक दो और सवाल आपसे लेने के लिए, आपको रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट वेट करने के लिए। ये मोदी जी इस समय बता रहे हैं कि इतना बड़ा इस बजट का इतना ज़्यादा प्रेज क्यों कर रहा है मार्केट, और इस बजट में क्या खास है? इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में भी वो बता रहे थे कि किस हिसाब से एक्सपोर्ट्स हमारे ऑलमोस्ट 470 बिलियन डॉलर 470 बिलियन डॉलर के आसपास हो रहे हैं। नीलकंठ, आपने तो एक्सपोर्ट डेटा को बहुत क्लोजली एनालाइज किया है और जैसा मोदी जी बता रहे थे कि इस बजट को काफ़ी प्रेज मिल रहा है, आपने इन्वेस्टर कम्युनिटी से ये बातचीत की होगी काफ़ी इस बजट के बाद, आप किस तरह का फीडबैक आप गैदर कर रहे हैं? देखिए इक्विटी मार्केट्स जनरली क्योंकि इक्विटीज बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिस्काउंट करती हैं, बिकॉज हर डिस्काउंटेड कैश फ्लो में यू नो टर्मिनल वैल्यू का काफ़ी वैल्यू होता है। तो जब सरकार बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है, बहुत नियर टर्म की हाँ भाई अब जेब में पैसे हैं तो बांट डालो, तो उसको वो जो पॉलिटिकल टेम्पटेशन होता है जो जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं अदर पीपल्स मनी, कि आप टैक्स पेयर से पैसा लेके और कहीं बांट रहे हो, उन टेम्पटेशंस को जब सरकार रेजिस्ट करती है और फोकस करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, तो ये इक्विटी मार्केट्स को अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर नंबर्स कंजर्वेटिव हैं, जो कल जो केंद्र सरकार के अधिकारी भी टीवी पे आके बोल रहे थे कि भाई अगर
हमने हमारे नंबर कंजर्वेटिव हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे नंबर जो है बीट हो जाए। तो ये आई थिंक इसको लेके कि सरकार ने रेजिस्ट किया इस टेम्पटेशन को, आई थिंक काफी लोगों को अच्छा लगा है। ये भी कि कहीं टैक्स नहीं बढ़ाया और पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस है। नाउ उसका असर कितनी जल्दी दिखेगा या कितनी जल्दी उस इंटेंट को हम रियलिटी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं वो तो खैर गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन मशीनरी है, बट आई थिंक इंटेंट को जरूर इन्वेस्टर्स ने सराहा है कि ये नंबर्स जो हैं वो क्रेडिबल लगते हैं। आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, ऑफ कोर्स बजट सिर्फ एक कंपोनेंट है अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बनाने के लिए, आप बहुत सारे अदर इंडिकेटर्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स आपको किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है जो आपने आउटलुक में शेयर किया था ऑलरेडी, उसमें कुछ बदलाव या आपने जो एस्टिमेट लिए थे बजट का भी फोकस डोमेस्टिक साइक्लिकल्स की तरफ ज्यादा है, कुछ अगर अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करें। हाँ तो भाई, तो इनफैक्ट हमारी किस्मत अच्छी रही कि जो हमने पिछले 4-5 महीने से हमारा जो स्टांस रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में साइक्लिकल्स यानी कि जो अपग्रेड्स हैं वो चलते रहेंगे, तो उसका और एविडेंस आता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें और कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा है हमारा। एक ही चिंता का विषय है, वो है ऑयल प्राइसेस। तो अगर वो 90-100 हो गए तो फिर उसका ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे भी नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरी तरफ ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पे उसके आसार थोड़े और कमजोर होते दिख रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था शायद बॉटम ऑफ करके थोड़ा ग्रो करेगी, बट वहाँ पे भी जो फिस्कल और मॉनिटरी स्टिमुलस आ रहा है वो ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए है वर्सेस की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए। और जो ग्लोबल मार्केट्स एंकर्ड थे, जो उनकी उम्मीद थी हमेशा से रही है 10-12 साल से कि जब भी थोड़ा ग्रोथ वीकनेस आए तो एक फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस आ जाएगा, फेड कुछ ईज कर देगा या वहाँ की अमेरिका की सरकार कुछ आके फिस्कल स्टिमुलस दे देगी, तो वो अजम्पशन जो है अब वो वर्क नहीं करेंगे कुछ महीनों के लिए, कम से कम मेबी 8-9 महीने के लिए भी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ा अनसर्टेंटी आएगी। बहुत सारी ऐसी चिंताएं जिनको लोग भूल चुके थे जो पिछले 3-4 साल से बिकॉज फेड ने आके ऐसा जोर से स्टिमुलस दिया था, वो प्राइवेट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीदने को तैयार थे, तो बहुत सारी चीज़ें कि भाई कितनी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो सकती हैं, कितने कंपनीज के पास लेवरेज बहुत हाई है, जहाँ पे अगर थोड़े भी इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो आप देखें US में जो लोअर रेटेड बॉन्ड्स हैं उनके यील्ड स्प्रेड्स जो बढ़ने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, वो 10 मंथ्स हाई पे हैं, और मेरे हिसाब से क्योंकि अब फेड आके फिर बचाने नहीं वाला उनको अभी कुछ महीने तक, तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज कुर्की में चले जाएं। तो ये सब जो नेगेटिव सरप्राइजेज हैं ये मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा चौपी रखेंगे, और इसी वजह से वैसे इकोनॉमीज खुल रही हैं, सो ओमिक्रॉन ऐसे ऐसे रिसीड करेगा तो थोड़ा इंक्रीमेंटल मोमेंटम मेरे ख्याल से पॉजिटिव होगा, बट जो अंडरलाइंग ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी वीक हैं। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े चौपी रहेंगे, वो हमारे यहाँ भी दिखेगा। हमारा प्रीमियम टू वर्ल्ड फिर से बढ़ गया है जोर से, और इसी की हमें चिंता है, बट बाकी आई थिंक इकोनॉमी अच्छा कर रही है और हमारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स पे है, बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, कुछ हद तक हमें ये लगता है कि स्टेपल्स भी। वैसे कुछ लोग कल काफ़ी दुखी थे कि सरकार ने कंजम्पशन स्पेंडिंग नहीं की, बट वो थोड़ा छोटा छोटा सम है, अगर 40-50 हज़ार करोड़ आ भी जाता तो कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है, बट उसकी जगह पे द फैक्ट कि अब स्कूल खुल रहे हैं, ऑफिसेज अब खुलेंगे, बहुत सारी नौकरियां क्रिएट होंगी या वापस आ जाएंगी, तो इससे आई थिंक कंजम्पशन अच्छा होगा। स्टेपल्स ने लास्ट ईयर काफ़ी ख़राब रिटर्न्स दिया, पी मल्टीपल्स काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक सेक्टर है जहाँ पे आई थिंक सेलेक्टिवली आदमी ओवरवेट हो सकता है। बाकी जो सेक्टर्स हैं, मेटल्स में काफ़ी उछाल आया है, मुझे लगता है वो टेम्प्ररी होगा, आई मीन लास्ट एक हफ्ते में, बट मुझे लगता है वो टेम्प्ररी होगा, और सो IT, मेटल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सब में हम अंडरवेट हैं।
नीलकंठ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपके कमेंट्री को, आपके नोट्स को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही एजुकेटिव होते हैं। हैव अ गुड डे अहेड। विद दैट सर, आप ऑन द शो। अभिषेक और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए ET9 स्वदेश, यहाँ पे एनालिसिस जारी रहेगा।